उत्तर प्रदेश भारत स्काउट और गाइड के तत्वाधान में हरिओम नगर स्थित स्काउट गाइड कार्यालय के परिसर में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी तथा पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्काउट और गाइड जिला संस्था के मुख्य आयुक्त डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी तथा पंडित मदन मोहन मालवीय के चित्र पर पुष्प अर्पित किया और कहा कि भारत में स्काउट गाइड के जन्मदाता पंडित मदन मोहन मालवीय तथा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि दोनों महापुरुष गीता से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने कहा कि आज दोनों महापुरुषों की जयंती के साथ साथ गीता जयंती भी मनाई जाती है। उन्होंने कहा कि स्काउट गाइड के द्वारा बच्चों में शारीरिक मानसिक बौद्धिक तथा विषम परिस्थितियों में भी निर्णय लेने की क्षमता उजागर हो ऐसा प्रशिक्षण बच्चों को दिया जाता है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश भारत स्काउट और गाइड के पदाधिकारी तथा छात्र मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश भारत स्काउट और गाइड जिला संस्था के मुख्य आयुक्त डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने कहा, सभी जातियों के साथ हमको किस प्रकार से प्रेम व्यवहार करना चाहिए, हर व्यक्ति के साथ हमें किस प्रकार से प्रेम के बात, वो हमने आज हमको जरूरत पड़ रही है। आज हम पेड़ पौधे लगाने के लिए कितने परेशान हैं, हम पानी को बचाने के लिए कितने परेशान हैं, लेकिन तब जब तुलसीदास जी के समय में पौधों की कमी नहीं थी, कोई पानी प्रदूषित नहीं था, हम अपने बचपन में पढ़ते समय 1960-62 में प्राइमरी में पढ़े थे, तब हम लोग पोखरे का पानी गांव में पीते थे, तालाब का पानी पीते थे, स्कूल से जाते थे रास्ते में जो ही पोखरा पोखरी पड़ता था। 1960 में गांव में एक हैंड पाइप नहीं था किसी के पास, सब लोग कुएं का पानी पीते थे, या तो या रास्ते में क्या होता था, जो पानी बैल पीते थे, गाय पीती थी, भैंसें पीती थी पोखरे का तालाब का, वो हम लोग पीते थे, कोई बीमारी नहीं होती। तो तुलसीदास से बात करते हैं, गीता बात करते हैं, बच्चों गीता की जो सबसे बड़ी बात क्या है, आज के दिन आप गीता जयंती का मतलब क्या समझते हैं, आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने उस कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाओं के मध्य रथ खड़ा किया था और अर्जुन को ज्ञान दिया था। सोचने की बात है, ज्ञान शत्रु और मित्र नहीं देखता, रथ कहाँ खड़ा हुआ था, रथ को तो खड़ा होना चाहिए था पांडवों की सेना में ना, लेकिन कृष्ण जी ने क्या किया, सीधे रथ ले आए और कहाँ लगा दिए, एक और कौरे एक और पांडव खड़े हैं, क्योंकि ज्ञान सत्य मित्र नहीं देखता। जब कृष्ण ने अर्जुन ने कहा क्या है ये, तो देख लो उनको किनके साथ लड़ाई करनी है और किनके साथ रहना है, जब अर्जुन देखे घबरा गए, अपने परिवार अपने मामा अपने फूफा अपने साली अपने बहनोई अपने बाबा अपने दादा अपने चाचा अपने चचेरे भाइयों के साथ युद्ध करना है, अपने मामा के साथ युद्ध करना है, घबरा गया, भ्रम पड़ गया, ज्ञान भ्रम में पड़ने लगा। तो किस जी ने उनको समझाया कि अर्जुन तुम युद्ध नहीं करने आए हो, तुम किसी को मारने नहीं आए हो। उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया, अपने मुंह में अर्जुन को प्रवेश कर दिया। कुल 45 मिनट की घटना है, पूरा गीता 45 मिनट का भाष्य है। उन्होंने मुंह में कर दिया भीतर, जब भीतर कर दिया अर्जुन को, अर्जुन घूमने लगे, सारे कई ब्रह्मांड इस तरह के, एक ब्रह्मांड नहीं कई ब्रह्मांड दिखाई देने लगे और देखा, कहा देखो ये तो देखो भीष्म पितामह मरे पड़े हैं, ये द्रोणाचार्य मरे पड़े हैं, ये दुर्योधन मरा हुआ है, ये तुम्हारे ये रिश्तेदार मरे हैं, तुम तो मारना किसको है, तो सब मरे हुए हैं, कि तुम गलत सोच रहे हो, तुम ये शरीर को मार रहे हो, तो मरी हुई है, मैंने तुमको दिखा दिया, जो आत्मा है नैनम छिंदन शस्त्राणि, इस आत्मा को शस्त्र छेद तुम्हारा बाण छेद नहीं कर सकता। जय हे जय हे जय हे।
कुमार सिंह, मुख्य आयुक्त उत्तर प्रदेश भारतीय स्काउट गाइड जिला संस्था गोरख। उत्तर प्रदेश भारतीय स्काउट गाइड के तत्वाधान में आज भारत में स्काउटिंग गाइडिंग के जन्मदाता के रूप में पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती जो है आज मनाई गई है। आज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जयंती है, जिसकी जयंती को हम लोग सुशासन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ये जयंतियाँ जो है हर वर्ष 25 दिसंबर को मनाई जाती हैं, और हम लोगों का ये सौभाग्य है कि ये दोनों महापुरुष गीता से बहुत प्रभावित थे, भगवत गीता से, और गीता जयंती भी आज ही के दिन मनाई जाती है। तो इसको लेकर के स्काउट गाइड संस्था जो है ये जयंती का कार्यक्रम आएगा। नहीं, बच्चे जो है जब तक अपने अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा नहीं करेंगे, अपने अंदर धैर्य और सहनशीलता नहीं लाएंगे, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते। युवा पीढ़ी में जो आज उद्योग की भावना है, बहुत जल्दी जो है अपना धैर्य खो रहे हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो हम लोग जो है स्काउटिंग गाइडिंग संस्था के माध्यम से उन बच्चों में सर्वांगीण विकास को लेकर के प्रेरित करते हैं कि बच्चे में सभी तरह का विकास हो, न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, हर प्रकार का विकास संभव हो सके। परिस्थितियाँ चाहे जितनी भी विषम हों, उसमें निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने का कार्य जो है हम बच्चों को जो है देने का कार्य करते हैं।